हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अर्थन क्लासेस 2.4 में। आज मैं आप लोग को इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसमें आज सब्जेक्ट होगा प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक एग्जामों में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, खासकर तो ऋग वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सभी वेदों के बारे में अक्सर क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन है कि ऋग वेद के बारे में कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन है ऋग वेद के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ए नंबर में है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी में है, ऋग वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है, ये भी सही है। सी ऑप्शन में है, ऋग वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं और 10462 ऋचाएँ हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी में है, दशराग युद्ध का वर्णन ऋग वेद के 7वें मंडल में है, ये भी सही है। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, सभी कथन सत्य है। ठीक है, अक्सर बच्चों से ये गलती हो जाता है कि दशराग युद्ध का वर्णन ऋग वेद के 10वें मंडल में, मार देते हैं बच्चे ऑप्शन एग्जाम में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऋग वेद के 10वें मंडल में अलग ही चर्चा है। ठीक है, लेकिन दशराग युद्ध का वर्णन जो है ना, ऋग वेद के 7वें मंडल में है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन का आंसर क्या हो गया, सभी कथन सत्य है। पहले बता दें कि दशराग युद्ध जो है ना, 10 जन और सुदास के बीच हुआ था, इसमें सुदास जीत गए। ठीक है, और यह युद्ध जो है ना, प्रोसनी नदी, जो अभी आधुनिक में क्या इसको बोलते हैं, रावी, ठीक है, ये नदी जो है ना, इसी नदी के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचाने। ठीक है, विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है, ये भी कथन सत्य है। क्वेश्चन ए कथन सत्य है। बी में है, मत्स्य पुराण का संबंध आद्र सातवाहन वंश से है, ये भी सही है। क्वेश्चन सी में है, वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है, ये भी सही है। यानी गरुड़ पुराण का संबंध पाल वंश से है, ये ऑप्शन गलत है। यानी हमारा इस ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार ये आंसर हुआ, गरुड़ पुराण का संबंध पाल वंश से नहीं है। ठीक है, गरुड़ पुराण का संबंध जो है ना, वो कृष्ण के साम्राज्य से है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से 3-4 क्वेश्चन कराने का प्रयास करते हैं। यानी कम समय में सटीक तैयारी कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को देखें। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन, जैसे देखिए क्वेश्चन एक में है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचाने, क्वेश्चन एक था। और हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से देखे मौर्य वंश, मत्स्य पुराण, आदवान वंश, वायु पुराण का संबंध, ये सब वंश जो है, हम लोग क्वेश्चन को जोर जोर करके, यानी कि हम अपना क्वेश्चन जोर करके आंसर कराते हैं। ठीक है, ताकि आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी जानकारी होने का ज्ञान हो जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आइए, इस क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन नंबर 3 के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कहता, निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचाने। ए में है, सबसे प्राचीन वेद ऋग वेद है, ये भी क्वेश्चन सही है। कहता, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है, ये भी सही है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, ये भी सही है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद है, ये भी सही है। और ऑप्शन ई में है, सभी कथन सत्य है। यानी हमारा इस क्वेश्चन के माध्यम से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, सभी कथन सत्य है।
सबसे प्राचीन वेद जो है ना ऋग वेद है, और सबसे वाद का वेद जो है अथर्वेद है, भारतीय संगीत का जनक जो है ना सामवेद है, और सभी इस तरह से सभी कथन हमारा सत्य है। कहा जाता है कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, यानी सबसे प्राचीन पुराण जो है ना मत्स्य पुराण है, ठीक है। अब देखिए वेद त्रयी में जो है ना, वेद त्रयी में अथर्ववेद को नहीं जोड़ा गया है, उसमें सिर्फ तीन ही वेद को जोड़ा गया है, यानी ऋग वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ठीक है। अथर्ववेद को नहीं जोड़ा गया है क्योंकि अथर्ववेद की रचना जो है ना सबसे बाद हुई है, और सबसे पहले जो रचना हुई है ऋग वेद के हुई है। ऋग वेद की रचना जो है ना हमारे ऋषि जो थे विश्वामित्र, उसके द्वारा ये वेद की रचना की गई है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको नदी के बारे में समझाएंगे, यानी कि पहले नदी, प्राचीन नदी को अब वर्तमान में क्या नाम दिया गया है, ठीक है। जो पुराने में सब प्राचीन में बोला जाता था, अब इसके बारे में इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए ये है प्राचीन नाम और इधर है आधुनिक नाम। कहा जाता है ए में क्वेश्चन, निम्नलिखित में औसत्य कथन को पहचाने, यानी प्राचीन नाम है और ये आधुनिक नाम, यानी पहले इस नदी को क्या कहा जाता था और वर्तमान समय में इस नदी को अभी किस नाम से जानते हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहला है बिपाशा। बिपाशा को प्राचीन नाम है बिपाशा, अभी आधुनिक में क्या कहा जाता है इस नदी को, ब्यास कहा जाता है। यानी बिपाशा को प्राचीन, बिपाशा नदी का प्राचीन नाम तो बिपाशा ही था, ठीक है, लेकिन अभी क्या कहा जाता है, ब्यास कहा जाता है। सदानीरा ये प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम क्या है, गंडक है, ठीक है। सी में है अस्कनी, उसका प्राचीन नाम अस्कनी था, अभी क्या है, चिनाब है। डी में है पुरुषनी, ठीक है, प्राचीन नाम पुरुषनी था, आधुनिक नाम क्या है, रावी है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन ई में सादित्री मैंने आधुनिक नाम इस नदी का क्या है, ठीक है। बात करें इस क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, यानी पहले नाम था बिपाशा, अभी क्या है, ब्यास है, ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। बी में है सदा नीरा, अभी क्या कहा जाता है इस नदी को, गंडक कहा जाता है, ये भी सही है। सी में है अस्कनी, अभी वर्तमान में क्या कहा जाता है, चिनाव, ये भी सही है। डी में है पुरुषनी, अभी इसको क्या कहा जाता है, रावी कहा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन ई में सदत्री, इसको अभी क्या कहा जाता है, ये गलत है, यानी सावित्री को वर्तमान में स्वात नहीं कहा जाता है, ये गलत, सावित्री को वर्तमान में सतलज कहा जाता है, सतलज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से इसका आंसर क्या हो गया, ये सही, यानी सावित्री को वर्तमान में सतलज कहा जाता था, लेकिन अभी क्या है, इसमें क्वेश्चन में स्वात कहा गया, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन निम्नलिखित में से औसत पहचाने, ये हमारा आंसर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जानते हैं जैन धर्म के बारे में औसत्य कथन को पहचाने। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जैन धर्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जैन धर्म क्या है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन कहा जाता है जैन धर्म के बारे में औसत्य कथन को पहचाने, जैन धर्म के बारे में कौन से कथन दिए गए, कथन में कौन सा गलत है उसको पहचानना है। कहा जाता है जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव था, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ये भी सही है, यानी जैन धर्म की स्थापना जो है ना, जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने किया था, ठीक है, ये क्वेश्चन सही है। बी में है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, ये भी क्वेश्चन सही है, यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी का जन्म जो है ना, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था कुंडग्राम में, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ये भी क्वेश्चन सही है। अगला है डी में जैन धर्म की जानकारी कल्प सूत्र के रचिता अश्वघोष थे, ये क्वेश्चन गलत था, ठीक है। इसमें कहा जाता है जैन धर्म के तीर्थकारों की जानकारी हमें कल्प सूत्र से तो ज्ञान होता है, लेकिन कल्प सूत्र के रचनाकार जो है ना अश्वघोष नहीं थे, उसके कौन थे, भद्रबाहु थे, भद्रबाहु। जैन धर्म के
जो पुस्तक है कुलकल्प सूत्र, इसके रचनाकार कौन है? भद्रबाहु है। ये अश्वघोष ने, इसलिए इसका आंसर ये हो गया। कहा जाता है जैन धर्म के बारे में औसत कथन को पहचाने, ये हमारे ऑप्शन डी दिया गया, ये कथन गलत है। ठीक है, आइए फिर रिवाइट करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव था जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ये सही है। बी में है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, ये भी सही है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन डी में जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी जो है ना, हमें कल सूत्र से ज्ञान होता है, लेकिन कल सूत्र रचनाकार भद्रबाहु अश्वघोष ने, इसलिए हमारा आंसर ये सही हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहा गया है कि बौद्ध धर्म के बारे में औसत कथन को पहचाने, यानी इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बौद्ध धर्म के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, ये क्वेश्चन सही है, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, बौद्ध यानी गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, इसका जन्म जो था ना 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अगला है, विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है, ये भी सही है। ठीक है, सी में है ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, ये भी सही है, यानी ज्ञान प्राप्ति, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हमारे बिहार के बौद्ध गया में हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष थी, नहीं ये गलत है। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष रखी गई थी गौतम बुद्ध के द्वारा, यानी बौद्ध संघ मैंने कि उसमें जो रह करके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं ना, उसी को बौद्ध संघ, यानी बौद्ध जहाँ पर बौद्ध भिक्षुक सब जब रहते हैं उसी को संघ कहा जाता है। ठीक है, तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी, इसमें दिया गया है 18 वर्ष, यानी ये क्वेश्चन हमारा गलत है, ये कथन गलत है, यानी इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारा आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम प्राचीन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, कहा गया है निम्नलिखित कथन में औसत कथन को पहचाने, ए में है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये कथन सही है। बी में है गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे, ये भी कथन सही है। सी में है कुषाण वंश के संस्थापक कनिष्क थे, ये क्वेश्चन हमारा इस क्वेश्चन के माध्यम से गलत है, यानी कि आंसर तो हमारा ये होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या गया है, कुषाण वंश के संस्थापक कनिष्क थे, नहीं, कुषाण वंश के संस्थापक जो है ना कुजल कोटप्रशस्त थे, यानी वो हमारे चीन के शासक थे। ठीक है, डी में है पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, ये कथन सही है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, कुषाण वंश के संस्थापक कनिष्क थे, ये गलत था। ठीक है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, कुजल कोटप्रशस्त थे, जो हमारे पड़ोसी देश चीन के शासक थे। ठीक है, हाँ, ये इसके बारे में कहा जाता है कुषाण, रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला जो पहला शासक था वो कुषाण वंश के शासक थे, जो कनिष्क थे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आते हैं परीक्षा में बार बार आते हैं कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाले शासक कौन थे, तो कनिष्क होगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी पुस्तक से किस इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है, यानी कहा जाता है कल्हण जो है ना कश्मीर के इतिहास से जानकारी मिलता है, ए में है मौर्य वंश से जानकारी मिलता है, नहीं, बी में है कामरूप के इतिहास की जानकारी मिलता है, नहीं, सी में है कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलता है, यानी ये हमारा ऑप्शन सी सही हो गया, डी में है दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी मिलता है, नहीं ये गलत है, यानी कश्मीर का जो इतिहास है ना कल्हण के द्वारा रचित पुस्तक है उसमें, यानी कि कल्हण के द्वारा रचित पुस्तक जो है राजतरंगिणी, उसमें हमें कश्मीर के शासक के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, जो कि प्राचीन इतिहास के बारे में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आते हैं अब अगला क्वेश्चन लेकर के, आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें
भारत पर जो आक्रमण हुए हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कहा गया है भारत पर आक्रमण में अरबों ने किसके नेतृत्व में सफल आक्रमण किया था, भारत पर अरबों द्वारा जो आक्रमण सफल अपहरण हुआ था ना पहली बार, वो किसके द्वारा किया गया था, इस क्वेश्चन में लिखा गया है। ऑप्शन ए में है मोहम्मद बिन कासिम, बी में है बाबर, सी में मोहम्मद गौरी और डी में है मोहम्मद गजनबी। यानी कहा गया है क्वेश्चन में भारत पर अरबों ने किसके नेतृत्व में सफल आक्रमण किया था, जिसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में यह आक्रमण हुआ था। ठीक है, यानी भारत पर जो आए सब विदेशी आक्रमणकारी जो यहाँ आए, लूट के ले गए, धन दौलत सब लूट के ले गए, तब ना आज हमारे भारत का स्थिति बहुत ख़राब है। ठीक है, यानी कहा जाता है कि भारत पर जो मुस्लिम लोग आए आक्रमण किए, मुस्लिम ने अपने धर्म का भी यहाँ पर प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन के माध्यम से जानते हैं कि भारत पर अरबों ने किसके नेतृत्व में सफल आक्रमण किया था, तो आंसर हो गया मोहम्मद बिन कासिम। अब अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचाने। यानी कि इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ क्या चीज़ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी। ठीक है, तो आइए, कहते हैं विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने किया था, ये क्वेश्चन के हिसाब से सही है। ठीक है, प्रसिद्ध कवि, बी में है प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचूरी के दरबार में रहते थे, ये भी सही है। तीसरा है सी औदन्तपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन ई में है सभी कथन सही, यानी कि सभी कथन जो है ना इसके सही है। एक बच जाता है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ना कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। अगर ये हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो परीक्षा में आता है उसी को हम जो ना उठा उठा कर क्वेश्चन जो है सेट किए हैं। सभी परीक्षाओं में जो आते हैं उसको क्वेश्चन को खोज खोज के निकाले हैं, उसके बाद सभी क्वेश्चनों को एक जगह सेट करके मिला करके आपको समझाने का प्रयास किए हैं। अगर हमारा मेहनत आपको अच्छा लगता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ बढ़िया बात लिखें, ताकि आप कमेंट करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। ठीक है, और उससे हमको सीख भी मिलेगी। ठीक है, तो इस माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किए हैं। अगर ये हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी अगर वीडियो आप अपलोड करता हूँ ये नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए और हमारे वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। ठीक है, धन्यवाद।